बताएं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अर्शदीप ने कैच गिराया, उससे मैच गिराया। नहीं, अर्शदीप का वो कैच से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी और भी बैट्समैन तो बाकी ही थे। आज फील्डिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या का बहुत पीटा है और दीपक हुड्डा को यूज़ नहीं किया। मतलब मेनली ओवरऑल पाकिस्तान के फेवर में गेम था, बट बहुत मज़ा आया। अब शिकस्त की रीजन आपको इसके अलावा और क्या लगती हैं? टॉस फैक्टर था? देखो, टॉस फैक्टर तो है, बट अगेन लास्ट बॉल तक मैच जाना, इट्स वेरी गुड मैच। ओके, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उसने कैच गिराया लड़के ने, तो वो शिकस्त का जिम्मेदार। I don't think so. Sometimes, you know, किस्मत की बात है, कभी पाकिस्तान के फेवर में था। लास्ट टाइम 10 विकेट गई थी पाकिस्तान की, तो उसको किसी भी प्लेयर को वी कैन नॉट ब्लेम। नहीं, अच्छा चोरी था ताकि फाइनल में ज्यादा मजा आए। आप इंडिया की शिकस्त की आपको रीजन क्या लगती है? ठीक है, इतना तो थोड़ा रन कम था, बट ठीक है, क्लोज मैच, एनीबॉडीज विन द गेम। वन साइडेड हो तो दुख होता है। हां, एब्सोल्युटली फाइन, ग्रेट गेम। आपकी क्या फीलिंग है आज के मैच पे? मुझे मजा आया। हार का? क्योंकि मैं मेरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखने में मजा आया। मेरे को पाकिस्तान के प्लेयर्स में उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी स्किल्स पता चली, तो मेरे को उसमें मजा आया। टीम में कौन से प्लेयर्स ने आज आपको रिजवान और नसीम, द बॉलर, नया वाला बॉलर जो आया, को तो मार पड़ी बेचारे को आज। लेकिन मुझे, मैंने उसका अच्छा चलता है, दूसरा मैच है, पिछली बार उसका। आपका पाकिस्तानी फेवरेट कौन सा प्लेयर है? नसीम ही है, वैसे बाबर है, बट आज रिजवान अच्छा खेला। आप क्या कहेंगे, कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर? बहुत बढ़िया, हिंदी बोला। खवातीन को अमूमन दुख होता है हार का, आज थोड़ा दुख हुआ? थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि बिल्कुल। इट वॉज गुड, इट वॉज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच, वी प्लेड वेल, आवर टीम प्लेड वेल। भाई मुझे बताओ कि हार का दुख कितना हुआ, दिल से बताओ। नहीं, कुछ दुख नहीं है, जो गेम है भाई, गेम है करके बात करो। कुछ दुख नहीं है, जो भी रिजल्ट था, वी आर इंडिया, वी स्टैंड टुगेदर, वी आर टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच तो जीतते आते रहते हैं, नो वरी। इंडिया ने मैच लूज कहां पे किया है? जो अर्शदीप ने कैच ड्रॉप किया वहां पे, वो कैच इंपॉर्टेंट था, उसकी वजह से मोराल कम हो गया टीम का। वो कैच इंपॉर्टेंट था, बट कोई नहीं, फिर भी अच्छा बॉलिंग किया, लास्ट में दो बॉल तक गई मैच, कोई बात नहीं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, होता रहता है। पाकिस्तानी टीम के किस लड़के की तारीफ करोगे आज दिल से, क्योंकि क्रिकेट है? रिजवान की बहुत अच्छा कैरी किया, बहुत अच्छा कैरी किया। कैसा लगा हसनैन का? अच्छा था, बट आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच शुड बी गो टू रिजवान, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अच्छा, आप मुझे बताएं, अर्शदीप का जो कैच ड्रॉप हुआ है, ऐसे प्रेशर गेम्स के अंदर इस गलती को एज ए फैन आप कैसे देखते हो? होते रहता है गेम में, गलती सबसे होती है, प्रेशर आने में हो गया, उससे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे हम। अब ये पाकिस्तानी लौंडे नारे लगा रहे हैं, इनको फिर हम भी लगाएंगे, भारत माता की जय। 11 तारीख को बिल्कुल देख लेंगे हम, तो एक्चुअली हम उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, वेरी गुड, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। चलो, आज मुझे लगता है आप थोड़े से दुखी जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, अच्छा डाउन है पर दुख नहीं है। विराट की रनिंग बिटवीन द विकेट कैसी थी? सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। विराट के शॉट बहुत अच्छे थे, उसने तो सिंगल की जगह डबल लिया, उसने पूरी टीम का स्ट्रेचर यहां पे लाया है, फिटनेस में, रनिंग में। ओके गुड, थैंक यू, वेरी गुड इंस्पिरेशन, थैंक यू। आज भी जो खेला है, रन लिया है उसने, दो दो रन, दैट इज फैंटास्टिक। सर आप क्या कहेंगे, अर्शदीप जिम्मेदार है इंडिया की शिकस्त का? नहीं, कैच तो किसी से भी छूट सकता है। मैं समझता हूँ जो टर्निंग पॉइंट है वो रिजवान की इनिंग है, और जैसे नवाज अंदर आए हैं, उन्होंने टोटल प्रेशर जो है इंडिया का वो ख़त्म कर दिया, रन रेट का भी, और हिटिंग भी क्लीन हिटिंग की है। आई थिंक ये जो बाबर का डिसीजन था उसको नवाज के ऊपर भेजना, डेट वॉज द रियल टर्निंग पॉइंट, एंड एट द एंड आसिफ अली ने बहुत अच्छी फिनिश। सर आप क्या कहेंगे, फील्डर से कैच ड्रॉप होना, उसको ब्लेम किया जा रहा है, ये ठीक है? नहीं, ब्लेम करना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तब उस वजह से भी ब्लो। अगेन ये भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रास भी बहुत आए लास्ट 5 ओवर्स में, हेल वॉज द एक्स्ट्रास, यानी 6-7 रन ऊपर आ गए, तो अगर वो एक दो दिन में पहले एक भी नहीं था वो एक्स्ट्रा हुआ, तो वो दैट वॉज दैट कैन बी द रीज़न, बाकी स्पेसिफिक प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से। सर आपको क्या लगता है, हार की रीजंस क्या हो सकती है, इंडिया किस वजह से हार रहा है? ओवरऑल फंटास्टिक गेम था, और दुबई का पिच हमेशा, जो टॉस जीतता है और जो बॉलिंग करता है वही मैच जीतता है, और कोई फैक्टर नहीं था। और अर्शदीप डिसअपॉइंटिंग था, प्रेशर आप देख रहे थे कि लास्ट में प्रेशर था उसके ऊपर, तो कैच छूट गया, जहां कैच छूटा वहीं पे लगा कि मैच अब ओवर हो गया।
और आसिफ अली बहुत अच्छा बैटिंग किया एंड कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान। सर आपकी क्या फीलिंग है सर, क्या फील्डर रिस्पॉन्सिबल होता है या 11 लोगों की टीम होती है तो 11 लोग ही होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले आल्सो वेरी वेल, सो आई कंग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज। सेकंड चीज़ ये है कि सर जो आज फील्डिंग थी उसमें पाकिस्तान से मिस फील्डिंग हुई है और इंडिया से भी हुई है।